प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों व शहरों में फंसे मजदूरों, छात्रों और व्यक्तियों को अपने घरों तक पहुंचने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाया गया है, जो महाराष्ट्र चलकर रविवार की देर रात गोरखपुर पहुंचने की उम्मीद है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने पर यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए राजकीय रेलवे पुलिस की पूरी तरह सतर्क है। यात्रियों को सुरक्षित बसों तक पहुंचाने तथा थर्मल स्कैनिंग के लिए जीआरपी की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं जीआरपी ने मार्क डील कर अपनी तैयारियों का रिहर्सल भी किया। इस संबंध में जीआरपी रेलवे की एसपी पुष्पांजलि ने बताया कि एक नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आएगी, जहां यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर 1 मीटर की दूरी पर बनाए गए गोले में खड़ा किया जाएगा। उसके बाद उनका थर्मल स्कैनिंग कराया जाएगा। उसके बाद उन्हें बसों में बैठाकर गंतव्य तक भेजा जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी रेलवे पुष्पांजलि देवी ने कहा, देखिए आज रात में 2 ट्रेनें महाराष्ट्र से आ रही हैं। उसमें सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं कि कैसे यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए यहाँ पर उतारा जाएगा, कैसे उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, कैसे उनका रजिस्ट्रेशन होगा और कैसे उनको उनके ज़िले की संबंधित बसों में बिठाकर उनके ज़िले के लिए रवाना किया जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। इसके संबंध में मॉक ड्रिल भी की जा चुकी है। देखिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म पर, जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आएगी तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 1.5 मीटर की दूरी पर गोले बनाए गए हैं। उसमें यात्री आएंगे, वहाँ पे उतरेंगे, उन गोलों में खड़े रहेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो और अपने नंबरवार कोचवार यात्री कोचवार उतारे जाएंगे और गोले में खड़े होकर नंबर से जाएंगे थर्मल स्कैनिंग काउंटर पर। वहाँ पे स्कैनिंग हो जाएगी, वहीं पर रजिस्ट्रेशन काउंटर पर अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, कोच संख्या नोट कराएंगे और वहीं से बसेस में जाएंगे, जो कि स्टेशन परिसर के अंदर ही पार्क है, अपने ज़िले की बसेस में बैठेंगे और वहाँ से अपने गंतव्य के लिए जिला प्रशासन रवाना करेगा उनको। जीआरपी, आरपीएफ और रेलवेज़ के कॉमर्शियल के व्यक्ति हर डिब्बे पर खड़े रहेंगे। हर डिब्बे पर 3 व्यक्ति डिप्लॉयड हैं ताकि हम लोग एक सिस्टम इंश्योर कर सकें और कोई भीड़ भाड़ कहीं पर न हो और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो, इसलिए हर कोच पर 3 कर्मी लगे हुए, 1 जीआरपी, 1 आरपीएफ, 1 कॉमर्शियल के व्यक्ति। बसेस हम लोग थर्मल स्कैनिंग काउंटर तक उनको डायरेक्ट करेंगे। उसके बाद जिला प्रशासन, रजिस्ट्रेशन काउंटर उन्होंने लगाया हुआ है, वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद जिला प्रशासन उनको बसेस में बिठाकर अपने ज़िले में लेकर जाएगा।